राम राम सभी लोगों को। आज ये जो अपने पीछे घर दिख रहा है, इसी का टूर करने चलते हैं। अपने ही घर है तो फिर इसके अभी अंदर चल के आपको भोकाली भोकाली चीज़ दिखाते हैं। पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। आज बड़ी ईद वीद है तो फिर आज के दिन तो ऑफ है। आज ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ही हम लोगों ने बनवाया है पोर्च, यहाँ पर लाइटें वाइटें लगी हैं पूरा, और यहाँ भी इसमें पंखा लगवाएंगे अभी। और अपना शाम के समय टाइम बिताने के लिए ये जनरली लोग फर्स्ट फ्लोर पे लगवाते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर बनवाया था तो फिर यहाँ कार भी खड़ी कर सकते हैं आराम से, धूप से बच सकते हैं। मतलब प्रॉपर जो मतलब एक हाउस होता है ना, उसमें पोर्च बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए पोर्च बनवा रखा है। पंखे का भी पंखा लगेगा, लाइटें वाइटें पूरी लग चुकी हैं। और वीडियो बनाई थी मैंने रात के समय जब लाइटें जल रही थी, वो भी क्लिप ऐड करूँगा, वो देखिएगा कितनी शानदार लग रही है। आइए भाई, यहाँ से एंट्री है, अपना मेन गेट उधर लगना है। अभी उधर दिखा दो जहाँ मेन गेट लगना है। और ये बाउंड्री बाउंड्री पूरी टूटी थी, बाउंड्री पूरी नहीं बनवाई है। ये देखिए, ये बाउंड्री की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। जब पूरी बन जाएगी इसकी फ़ोटो डालूंगा मैं, कैसी लगेगी पूरी बनने के बाद भी। अभी मेन गेट बन के नहीं आया, जो सबसे बाहर लगना है। सुपर और भाई आ जाओ, यहाँ पे दिखाते हैं आपको बहुत ही भौकाली चीज। ये देखिए यहाँ पे जगह छोटी पड़ी है, और यहाँ पे मतलब इतनी करनी चीज़ बनेगी ना, सीधे मतलब ऊपर से कूदो और सीधे वहाँ गिरो आके, स्विमिंग पूल बनेगा भाई वहाँ पे। कतई पानी से भरा हुआ, कतई स्वास्थ्य आ जाएगा। जगह छुड़वा रखी है अभी अभी, आज तो सैटरडे काम वाम ऑफ है, अब सीधे स्विमिंग पूल का ही काम होएगा, बाकी सब काम बाद में होएगा। और देख सकते हैं जगह भी काफ़ी है स्विमिंग पूल के हिसाब से, तो फिर बढ़िया स्विमिंग पूल बनेगा। और यहीं से कूदेंगे, सीधे स्विमिंग पूल में गिरेंगे जाके भाई। बाकी स्विमिंग पूल बनने के बाद इन सब दीवारों पे प्लास्टर होना ही बचा है अभी। ये वाली और ये वाली दीवार पे प्लास्टर भी करवाएंगे बढ़िया। और जीने भी दिखा देते हैं आपको चल के पहले ही, फिर अंदर का तो मतलब बाद में ही रखेंगे। देखिए आलिशान घर, आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक गैलरी दी है बीच में, इधर अपना ड्राइंग रूम है, इधर किचन है। सबसे पहले आपको किचन दिखाते हैं। ये देखिए भाई किचन की मतलब आप चौड़ाई और लंबाई सब देखिए, कितनी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे वो रखवा दिया है बर्तन बर्तन धुलने के लिए प्रॉपर। और सुजय देवी जितनी बड़ी सेट बनवाई है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह छुड़वा दी है, वो मतलब थोड़ा वॉशिंग का सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सब ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर दे दिया बाहर के लिए, यहाँ से निकल जाएगा जितना भी पानी होगा यहाँ पे धुलाई वुलाई के लिए। स्लिप देखिए कितनी बड़ी है, थोड़ा बाहर से जाके दिखा इसका कितनी बड़ी किचन है। ये 0.5 पे रखा था, बहुत ही बड़ी है, स्पेस भी अच्छी खासी। यहीं पर बीच में टेबल डाल के हम लोग बैठ के आराम से खा भी सकते हैं। पंखा वंखा भी सब लगना है अभी, और वो सब लगना है, क्या होता है हवा बाहर निकालने वाला, एग्जॉस्ट नहीं चिमनी लगनी है अभी। और टंकी अभी भी यही वाली लगा ली है टेम्परेरी, फिर ऑटोमेटिक टंकी भी लगवाएंगे यहाँ पे भी, मतलब बाथरूम में भी हर जगह ऑटोमेटिक टंकी लगेंगी। टायल्स का काम ही किचन में कम्प्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, अब बस टायल्स का काम उधर वाली गैलरी में बचा है, फिर वो वाली गैलरी भी दिखाएंगे चलते आपको। और फिर आइए ड्राइंग रूम में चलते हैं। 0.5 पे लगा सही आ रहा है। अरे नहीं बंद कर, ये देखिए ये हमारी गैलरी है, यहाँ पे टायल्स रखे हुए भी वो सॉरी, ये ड्राइंग रूम है जहाँ पे सोफा वोफा पड़ेगा, टेबल वेबल पड़ेगी। ये बाहर लुक देखिए खिड़की का कितना बढ़िया, प्रॉपर नक्शा बनाने वाले ने कितनी मेहनत करी के नक्शा बनाया। 0.5 पे लगा के दिखा खिड़की, ये खिड़की कितनी बढ़िया, मतलब कहीं यहाँ पे सोफा डालो सामने, खिड़की सामने कितना बढ़िया व्यू आएगा। और पोर्च की इतनी बढ़िया लोकेशन रखवाई है कि पोर्च के चक्कर में बिल्कुल भी धूप घर के अंदर नहीं आ सकती है, इसीलिए पोर्च मतलब पोर्च का जो मेन काम होता है धूप से बचाना होता है, वो प्रॉपर कर रहा हमारा पोर्च बढ़िया कति। मतलब इतनी गर्मी हो रही है तब भी कुछ भी गर्माहट का पता नहीं चल रहा है अभी यहाँ पे। बढ़िया सोफा लगा के ये पूरी डिज़ाइन बनवाई है टाइल्स की दीवारों पर अलग से, बताइए ये ब्लैक थोड़ा मतलब कभी सिनेमैटिक व्यू देने के लिए, और कहीं मतलब माशा अल्लाह बनाने के लिए ऐसी टायर लगवाती है।
बाकी जमीन पे अपने यहाँ पे थोड़ी रबर टाइल्स लगवाई है बाथरूम के अंदर, ताकि कोई फिसलने फिसलने की दिक्कत ना हो। और टाइल्स का सिलेक्शन पूरी तरीके से घर वालों ने करा था, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं था। तो बताइए कमेंट करके कि टाइल्स कैसी लग रही हैं आपको। आइए अब चलते हैं सबसे बढ़िया जगह, जो कि अपना मंदिर। मंदिर के लिए एक अलग से रूम बनवाया है और वहाँ पे बढ़िया वॉलपेपर लगवाएंगे मंदिर पे। और कमरा तो अलग से ही है मंदिर का, और नीचे थोड़ा लकड़ी वकड़ी का सिस्टम बनवा के बढ़िया लाइट लगवा के मूर्ति की स्थापना करेंगे वहाँ पे। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, ये मंदिर दिखाते हैं आपको। अभी तो ऐसा पड़ा हुआ है, मतलब अभी तो कुछ भी रखा नहीं है, ना वॉलपेपर लगा है। यहाँ पे लाइटिंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे और वॉलपेपर लगवाएंगे। वॉलपेपर वाले से बात हो गई है, सिलेक्ट कर लिया है वॉलपेपर। और बढ़िया मतलब अच्छी खासी स्पेस भी है, स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया एरिया था, इसीलिए हम लोगों ने हर चीज़ को प्रॉपर स्पेस दी है, क्योंकि बार बार तो बनना नहीं था, बनना एक ही बार था, इसीलिए स्पेस प्रॉपर है। और बाकी टायर्स का काम यहाँ भी पूरा हो चुका है, अब बस लकड़ी का और वॉलपेपर का काम बचा है। ये देखिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए यहाँ पे वाइट से ब्लैक कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ी ऊँच नीच हो गई है। वो मिस्त्री जी का वो सिस्टम था ताकि सारा पानी, अगर हम पानी कहीं पर भी डालें सीधे बाहर निकलेगा पानी, तो वो प्रॉपर मिस्त्री जी भैया बढ़िया थे, उन्होंने अपना सिस्टम बैठाला। आइए दिखाते हैं आपको रूम्स। देखिए चार रूम्स हैं, लॉबी देखिए, लॉबी कितनी बड़ी लॉबी, 0.5 पे करें लॉबी, देखिए कितनी बड़ी है भाई, कितने बीम और कितना ये सब देख रहे हैं आप। ये सब करवाना पड़ा था इस लॉबी को रुकवाने के लिए, पता नहीं कितने किलो कितने क्विंटल से खर्चा बहुत आया, लेकिन मन बढ़िया गया। देखिए और ये सब दीवारों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगवाया है, कितना बढ़िया लुक आ रहा है। 3x पे करके दिखा दें जो दीवारों के ऊपर टाइल्स लगवाई है, इसके चक्कर में कितना बढ़िया लुक आ रहा है लॉबी का। आइए दिखाते हैं यहाँ वॉशमेशन के ऊपर भी शीशा लगना बाकी है, आगे दिखाते हैं वो भी आपको। यहाँ पे टायर्स देखिए, मतलब हर बाथरूम में अलग अलग डिज़ाइन के टायर्स लगवाए हुए हैं वॉल पे। ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा उस वाली बाथरूम की तरह रिसेम्बल कर रहा है, पर बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है सब में। ये वॉल पे हर एक में ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे वाइट करवाया और इधर ब्लैक लगवाया है। और इसका मतलब वो सब ऐसे ऐसे लगवाए गए थे टायर्स, ये इस ऐसे में लगवाए गए हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं अपने रूम, टोटल अपने चार रूम्स हैं और एक ड्राइंग रूम है, ठीक है, वो पांचवा हो गया। मतलब वो तो सेपरेट ही कर रखा है, वो गेस्ट रूम है, कोई आके रुक भी सकता है आराम से वहाँ पे। और अटैच लैट्रिन बाथरूम आपको मैं भी दिखाई दे रही। अभी ये वाला पूरा तैयार करवा दिया था रूम, ताकि एक रूम बढ़िया तैयार हो जाए। खिड़की भी लगवा दी, गेट भी लगवा दी है, और अभी इसमें गेट लगना बाकी है। ये देखिए अपना पहला रूम, यहाँ पे भी एसी का वो रखा है, क्योंकि उस वाले कमरे में एसी लगी हुई है। ये एसी इस लॉबी में आएगी, मतलब वो सब चेंज होएगा, वो सब आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही ब्लॉक थोड़ी डालना है, ब्लॉक तो बहुत सारे डालने हैं। बाकी ये हो गया अपना पहला रूम, टायर्स इसमें कम्प्लीटली लग चुके हैं, थोड़ा काम इसमें बाकी है, बस थोड़ा पेंट वेंट अभी पूरे करना बाकी है। ये अपना रूम नंबर टू, इसमें थोड़ा सामान वामान भी रखा हुआ है। ये देखिए यही है वो शीशा जो लगेगा वहाँ पे लाइट वाला, पूरा बढ़िया पैक वैक करके रखा हुआ है। ये उसको कुछ है, शीशा भी यहीं कहीं रखा है, पता नहीं। ये देखिए ये रखा शीशा, यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, बदलना है पूरा लाइट वाला शीशा है, बढ़िया बहुत बढ़िया लुक आएगा शीशे से। देखिए ये पूरी, ये जो साइड में लगी हुई है पूरी लाइट्स हैं, बढ़िया लाइटिंग वाला लगेगा। और इसमें देखिए, इसमें कभी अलग टाइल्स लगवाए हैं, इसमें कॉन्ट्रास्ट करा है ब्लू और वाइट का। ये जो डिज़ाइन थी ज़मीन में भी, उसमें भी थोड़ा ब्लू कलर का था, तो फिर इसमें ब्लू और वाइट का कॉन्ट्रास्ट किया है। आइए अब दिखाते हैं आपको रूम नंबर 3। बढ़िया भाई, अपने रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4 बचे हैं, वो आपको किसी और ब्लॉक में दिखाएंगे, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सेटलमेंट होना, उसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो सब नहीं दिखा सकते हैं अभी, और वो किसी और दिन किसी और ब्लॉग में दिखाएंगे। वॉशमेशन देखिए कितना बढ़िया वॉशमेशन है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ सिस्टम रखने का भी सब सिस्टम है, अलग से पाइप जा रहा है, ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग वाला है, और टंकी तो ही बढ़िया, यहीं पे लगेगा अपना वो वाला शीशा लाइटिंग वाला, और दिखाएंगे आपको वो भी। और टायर्स देखिए कभी कॉन्ट्रास्ट में लगाए हुए हैं, वाइट और ब्लैक के, मतलब थोड़ा ग्रेश कलर है ये वाला,
वाइट और ग्रे का कंट्रास्ट लगाया गया, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे भी। और ये दिखाइए लॉबी, यहाँ पे कम से कम 3 AC लगने पड़ेंगे। पूरा घर है अपना 3200 square feet का, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप लोग, इनको पता होगा कितना बड़ा एरिया होता है। ये अभी यहाँ पे फॉल सीलिंग भी होनी है, लॉबी में भी फॉल सीलिंग होएगी, ड्राइंग रूम में भी फॉल सीलिंग होएगी, और अपना मंदिर में भी फॉल सीलिंग होएगी, और 2 कमरों में फॉल सीलिंग करवाएंगे, 4 फॉल सीलिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि खर्चा आ रहा है फॉल सीलिंग बहुत भाई। तो फिर अभी पूरी लॉबी में फॉल सीलिंग होएगी। ये जो बीम है ना, ये सब ढकने के लिए, बाहर निकले हुए एरिया बहुत बड़ा था, तो फिर मिस्त्री जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई बीम भी देंगे, तो अब थोड़ा तो लुक सही हो गया इसका, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है, इसीलिए इसकी फॉल सीलिंग भी करवाएंगे। और AC कम से कम 3 चाहिए हो जाएंगे भाई यहाँ पे ठंडा करने के लिए, क्योंकि भाई एरिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा और हवा हवा भी निकलेगी। तो एक तो अपना AC ड्राॅइंग रूम में आएगा, 3 AC यहाँ पे आएंगे, और बाकी 2-3 AC कमरों में। तो भाई खर्चा तो करे लगा। ये देखिए जीने इतने प्रॉपर बनवाए हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपर गाड़ी वाड़ी खड़ी हो सके, और ये जगह अभी तो बहुत भरी भरी सी है, इसीलिए आपको लग रहा होगा बहुत एरिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा एरिया है यहाँ पे। आराम से 1 कार और 2 बाइक, हमारी बाइक स्कूटी दोनों आ सकती हैं यहाँ पे आराम से। किया सोनेट कार है, आराम से आ जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी पोर्च के नीचे भी जगह है, उसके आगे भी जगह है, वहाँ पे भी गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है, क्योंकि भाई यूट्यूब से पैसा आएगा तो फिर पोर्च के नीचे पोर्च भी बनी हुई है। और ये देखिए सारे तार छूटे गए हैं यहाँ पे, लाइटिंग वाइटिंग होगी, हर पूरी बाउंड्री में तार छुड़वाए हैं, प्रॉपर लाइटिंग होगी, और इतना बेहतरीन लुक आएगा ना, मतलब ऐसा देखा नहीं होगा, कहीं हवेली लुक दिया है, पूरा लुक दिखा 0.5 पूरा, मतलब ऐसा हवेली वाला लुक है। और अभी 1 मंजिला और मिल जाएगा ना, तो प्रॉपर हवेली भाई, प्रॉपर हवेली, यहाँ पे पूरी पे लाइट लगेगा और बढ़िया ठाकुर साहब का घर, ऐसे कोई बोर्ड लगवाएंगे अभी तो सोचा नहीं है यहाँ पे। और बोर्ड मतलब कम से कम 3-4, मतलब एक तो पूरा कवर होएगा ही होएगा, इतना बड़ा बोर्ड लगवाएंगे बढ़िया, और लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर सिस्टम देख ही रहा हुआ पूरा। और पोर्च के नीचे जो लाइट जलती हैं वो तो कतई अलग ही लगती हैं भाई, कतई हवेली वाला, रात में तो कतई ऐसा लगता है कोई कोठी वोठी हो भाई, वो दिखाएंगे आपको। अभी वीडियो क्लिप ऐड करूँगा मैं सारी, सिर्फ हाँक नहीं रहा हूँ, देखिएगा आप पूरी वीडियो, पता चलेगी आपको। चलिए भाई फिर बन जाएगा पूरा ब्लॉग घर प्रॉपर, फिर एक और ब्लॉग लाएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें। बंदूक जिदा पुछे बायो डाटा मुंडा राजपूता दस्या सी तेनू जिगरे वरू।